मीनार की चोटी से एक गेंद को 36 से 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया तो यह मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए इसका चित्र बना लेते हैं अपन। क्या बोला जा रहा है कि एक मीनार की चोटी से एक गेंद को, ये मीनार की ऊंचाई h है और यहां से क्षैतिज से थीटा बराबर कितने कोण पर, 30 डिग्री कोण पर, कितने प्रारंभिक वेग से, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक वस्तु को फेंका जा रहा है। यह मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरती है, अस्त गिरेगी यहां कहीं, तो यहां से ये 17.3 मीटर की दूरी पर गिरती है। तो क्वेश्चन यह है कि यह एच क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, ठीक है? तो ये क्षैतिज तह ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो वो प्रक्षेप गति होगी। तो इसके लिए हम एक सूत्र बना सकते हैं, एस वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस एक बटे दो ए बाई टी स्क्वायर। ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई दिशा के लिए। एस वाई को क्या लिखा जा सकता है, एच। यू वाई को क्या लिख सकते हैं, इसके दो घटक कर लो u के, 10 cos थीटा और ऊपर 10 sin थीटा, और 10 sin थीटा माइनस का आएगा प्लस का, इसमें माइनस का आएगा, ठीक है? क्योंकि गति की दिशा नीचे की ओर है और जो नीचे की ओर पैरामीटर होंगे वो सब धनात्मक, जो ऊपर होंगे वो ऋणात्मक। गति की दिशा में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, धनात्मक, ठीक है? तो h तो नीचे ही है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, तो नीचे की दिशा हुई। यू बाई माइनस का यू साइन थीटा इंटू टी प्लस एक बटे दो जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें आपको सारे मान लिखने हैं। और समय दिया है क्या, नहीं दिया, तो एक तरीका तो ये है कि इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक और फिर निकालो क्योंकि इसमें समय नहीं दिया, तो पहले समय अपने को निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकाल सकते हैं बोलो, हाँ, यहां से यहां तक का उसने रेंज दे रखी है, तो इससे समय आ जाएगा। रेंज बराबर क्या होता है, यू एक्स इंटू टी, यही होता है। तो आर बराबर कितना हो गया, 17.3। यू एक्स कितना दिया है बोलो, 10 cos 30 इंटू टी, तो 17.3 बराबर 10 गुणा cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर इंटू टी, √3 होता है 1.73, 1.73 का 10 में गुणा हुआ तो 17.3 हो गए, तो वो 17.3 कट गया, तो टी बराबर क्या आ गया, 2 सेकंड। इसमें रख देते हैं, एच निकालना था, माइनस यू है 10 इंटू साइन 30, साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू टी, टी निकाल चुके 2 सेकंड, प्लस 1/2 जी हो गया 10, टी हो गया 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो जरा, माइनस 10 प्लस 2 पंजे 10, पांचों को 20, कितना आ गया, 10 मीटर, उत्तर आया 10 मीटर, ठीक है? मीटर की ऊंचाई पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से एक बम लक्ष्य पर गिराया जाता है। यह बम गिराते समय वायुयान लक्ष्य से कितनी दूरी पर हो कि लक्ष्य से टकरा सके। देखिए क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि एक वायुयान 490 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यह हवाई जहाज है, ग्राउंड से 490 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसे एक बॉम्ब फेंका गया
और वो नीचे कहीं किसी टारगेट पर गिरता है, और कितनी कितने वेग से उड़ रहा है ये, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। बम गिराते समय वायुयान उस लक्ष्य से कितनी दूरी पर होना चाहिए, गिरेगा तो इधर, ठीक है, ये लक्ष्य है, टारगेट है, और ये दूरी पूछिए उसने, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, बम गिराते समय ये कितनी दूरी पर होना चाहिए। सोचिए ये एच दिया हुआ है, ठीक है, आर आपको निकालना है, और ये जो सवाल है ये किस प्रकार का हो गया, 36 प्रक्षेप गति का हो गया, ये 36 वेग दिया हुआ है, किसी एच मीनार से, एच ऊंचाई की मीनार से वस्तु को 36 तरफ फेंक दें, उसी टाइप का तो क्वेश्चन हो गया, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। एक तरीका है पहले समय निकाल लिया जाए, ठीक है, फिर आर बराबर यूएक्स इंटू टी लगा देंगे, यूएक्स तो दिया ही हुआ है 60, अच्छा एच कैसे, एच दिया हुआ है तो समय आ जाएगा, टी बराबर क्या था, अंडर रूट 2H बाई जी, अंडर रूट 2H दिया है 490, और टी को फिर जी को फिर आप 9.8 ही लिख लीजिए, तो ऊपर कितने हो गए 980 और डिवाइड बाय 9.8, ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आ रहा है देखो, 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास समय बराबर कितना आ गया, 10 सेकेंड। आर निकालना है वो जाएगा यूएक्स इंटू टी, यूएक्स कितना है 60 को आप कन्वर्ट कर लेना किसमें, बोलो मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है, 5/18 गुणा समय कितना हो गया 10, ठीक है, सॉल्व करो जरा कितना है, सॉल्व करो 166.6 मतलब लगभग 167 हो जाएगा, 166.6 मीटर, ठीक है, तो बाद में क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में क्या है, वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक बॉम्ब को किसी स्थान से, ये किसी स्थान से यू बेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया, ध्यान देना, और ये ऐसे जाएगा कहीं गिर जाएगा, ये अधिकतम बिंदु पर क्या होता है, ये जो बॉम्ब था ये दो भाग में टूट जाता है, इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा जो है वो तो वापस आ जाता है, और दूसरे टुकड़े का वेग उसने पूछा है क्या होगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पर ये दो टुकड़ों में टूट रहा है, ठीक है, यहां मान लो द्रव्यमान m था, तो ये कितने द्रव्यमान हो जाएंगे, m/2, m/2 बराबर टुकड़ों में टूट रहा है, अब एक टुकड़ा जब वापस आएगा तो वापस आते समय वो उसी पथ को रिट्रेस कर रहा है जिस पथ से गया था, तो ऐसा कब हो सकता है, जब इसका, इस टुकड़े का प्रारंभिक वेग इस दिशा में कितना हो, जो vx होगा वो उतना ही हो जितना इसका इस दिशा में प्रारंभिक वेग था, वो कितना था u cos थीटा, तो इसका इस दिशा में प्रारंभिक वेग vx बराबर क्या होना चाहिए, u cos थीटा, जैसे कि वो फिर इधर लौट के यहां गिर जाएगा, समझ रहे हैं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी टुकड़ा जो है m/2 ये वाला, इसका हमें पता नहीं है क्या वेग है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जैसे कोई बीच में बॉम्ब फूट जाए तो इसमें हम बाहर से कोई बल नहीं लगाते, इसको फोड़ने के लिए बाहर से कोई बल नहीं लगाया, अपने आप ये फूट गया है, तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है, क्योंकि संवेग संरक्षण क्या कहता है, जब किसी निकाय पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए तो निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। अब संवेग कैसी राशि है, सदिश, तो संवेग जो है वो एक विशेष दिशा में संरक्षित रहता है, ठीक है, या तो एक्स दिशा में या वाई दिशा में, ठीक है,
और या किसी और दिशा में, मतलब एक ही दिशा में अपने को पर्टिकुलर दिशा में ही संवेग को संरक्षित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स दिशा का संवेग वाई दिशा के संवेग के साथ बराबर होगा, नहीं। एक ही दिशा में संवेग को आपको संरक्षित करना है, वो दिशा कोई सी भी ले लो, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर दिशा की, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तो क्या हो रहा है, बल लग रहा है। कौन सा? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल लग रहा है कि नहीं? और गुरुत्वीय बल कौन सा बल होगा? बाहरी बल होगा, ठीक है। इसलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में तो संवेग संरक्षित नहीं है। क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लग रहा, इसलिए ये क्षैतिज दिशा में संवेग संरक्षण का काम करेगा, यानी क्षैतिज दिशा में संवेग संरक्षित होगा, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में हम संवेग को संरक्षित कर लेते हैं। तो शुरुआत में क्षैतिज दिशा में संवेग संरक्षित कर रहे हैं, तो यहां शुरुआत में प्रारंभिक संवेग कितना है? आप इसको यू वेग से फेंक रहे थे, थीटा कोण है, तो क्षैतिज दिशा में वेग क्या हुआ? यू कॉस थीटा। द्रव्यमान कितना था? एम। तो क्षैतिज दिशा में संवेग क्या हुआ? एम यू कॉस थीटा। ये प्रारंभिक संवेग हुआ, पी आई, ठीक है, बराबर पी एफ होना चाहिए। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग क्षैतिज दिशा में बराबर। अब यहां पर देखो, दो टुकड़े हो गए, एक हो गया m बाई टू, तो m बाई टू क्या आ जाएगा? इंटू बेग u cos थीटा, लेकिन इसकी दिशा इधर है, तो क्या आएगा? माइनस प्लस इसका संवेग m बाई टू वी डैश। हमें वी डैश का मान पता नहीं है, उसको ऐसे लिख देते हैं। अब जरा सॉल्व कर लें, इसको इधर ले लें, तो एम यू कॉस थीटा प्लस एम बाई टू यू कॉस थीटा बराबर एम बाई टू वी डैश। एम तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, यू कॉस थीटा और यू कॉस थीटा बाई टू कितने हो गए? तीन बटे दो, थ्री बाई टू यू कॉस थीटा बराबर वी डैश बाई टू, टू भी कैंसिल हो गए, तो वी डैश इक्वल टू क्या आ गया? 3u cos थीटा, यही आंसर है। तो इस दूसरे कण का जो वेग होगा वो कितना होगा? 3u cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक गेंद सीढ़ियों के शीर्ष बिंदु से क्षैतिज दिशा में v0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई h मीटर है एवं चौड़ाई W मीटर है, G की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा यह गेंद NV सीढ़ी पर टकराती है, तो N का मान क्या है? देखो जैसा कहा जाए वैसा बना लो, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, ऐसी N सीढ़ियां हैं, और इधर से एक बॉल को फेंका गया, कितने वेग से? U वेग से, या इसमें V0 वेग से, चलो V0 लिख देता हूं, कोई भी वेग होगा, V0 वेग से फेंका गया। सीढ़ियों की जो ऊंचाई है, प्रत्येक स्टेप की ऊंचाई कितनी है? H है, और चौड़ाई कितनी है? W है, ठीक है। इधर से फेंक रहे थे अपन, और उस क्वेश्चन में बोला गया कि जब ये गिरती है तो यहां कहीं NV जो सीढ़ी है उससे टकराती है, NV सीढ़ी से टकराती है, तो बीच रास्ते में कितनी सीढ़ियां हो गई हैं? N सीढ़ियां, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये NV सीढ़ी से टकरा रही हैं, तो बताना वो N की वैल्यू है कितनी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखो ये X अक्ष हो गया और ये Y अक्ष हो गया, यहां से यहां तक की दूरी हो गई R, जिसको अपन क्षैतिज परास कहते हैं, और ये हो गया H, ठीक है। अब आपको ये सीढ़ियों को हटा दें अगर अपन, तो ऐसा अपने को दिख रहा है कि ये कौन सा प्रक्षेप है? क्षैतिज प्रक्षेप है, तो क्षैतिज प्रक्षेप का ही क्वेश्चन हो गया। तो अब आप क्या करोगे, पहले तो H बराबर है कितना, देखो सीढ़ियों के हिसाब से H H H कितनी सीढ़ियां? N, तो NH हो जाएगा, ठीक है, तो इसको H डैश मान लेता हूं, H डैश बराबर NH। R बराबर क्या हो जाएगा? WWW NW, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि अपने को N निकालना है,
तो एच डैश की वैल्यू मतलब एच इक्वल टू होता क्या है? एच इक्वल टू एच डैश निकाला था अपन ने, अंडर रूट टू एच बाई, समय निकालना है मान लो यहां से यहां तक एच डैश और समय का समय संबंध बनाना है, तो टी बराबर क्या लिखते थे? अंडर रूट टू एच डैश बाय जी, ऐसे निकाला था। अच्छा आर बराबर होता क्या था? क्षैतिज वेग यानी वी जीरो गुणा समय, ये लिखा था। अच्छा आर बराबर है कितना? एन डब्ल्यू, वी जीरो गुणा टी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट टू एच डैश, एच डैश कितना हुआ? एन एच डिवाइड बाय जी, ये ठीक है। अब एन फाइंड करना है तो दोनों तरफ वर्क कर लो, ठीक है, और जी के टर्म्स में ही आंसर चाहिए तो इसलिए जी का मान मत लिखो, दस दस दिया है तो लिख देना, ठीक है ना, लेकिन उत्तर तो जी के टर्म में ही है ना, तो इसलिए जी की वैल्यू मत लिखो। चलो दोनों तरफ वर्क कर दें तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बराबर वी जीरो स्क्वायर इंटू टू एन एच बाय जी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक एन कट जाएगा तो एन बराबर कितना आ गया? एन बराबर आ गया यहां आ रहा है टू वी जीरो स्क्वायर एच अपॉन जी और ये डब्ल्यू स्क्वायर, बस यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा है कि वस्तु को ऐसे फेंका गया किसी बेग से और ये ऊर्ध्वाधर से बीटा कौन है, वर्टिकल से बीटा कौन है, ऐसे जाके इधर गिर गया ये, तो ये यहां तक पहुंचने में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगा? तो वो सूत्र आपको मालूम होता है टी बराबर, बोलो वैसे पूरा उड्डयन काल क्या होता है? टू यू साइन थीटा बाय जी, इसमें क्या होगा? U साइन थीटा बाय जी, लेकिन ये थीटा कहां से कोण होता है? क्षैतिज से, तो ये तो ऊर्ध्वाधर से कोण दिया है तो क्षैतिज वाला कोण क्या हुआ? 90 माइनस बीटा, तो इस थीटा की जगह 90 माइनस बीटा लिखना पड़ेगा, तो T बराबर क्या आ गया? U साइन 90 माइनस बीटा क्या हो गया? कॉस बीटा बाय जी। तो अगर बीटा के पदों में, कॉस के पदों में या यू के पदों में उत्तर है तो ये हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में उत्तर तो एच के पदों में है, तो एच बराबर आप देखो क्या होता है, एच इक्वल टू क्या होता है बोलो? एच इक्वल टू था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। इसमें भी हम क्या लिख दें? यू स्क्वायर थीटा की जगह कितना? 90 माइनस बीटा, और 90 माइनस बीटा साइन में कॉस, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू जी। तो देखो यू कॉस बीटा निकाल लो, यू कॉस बीटा कितना आ जाएगा? टू जी एच, वो भी किस में? रूट में, अंडर रूट में क्या आ गया? टू जी एच आ जाएगा। यहां रख दें तो समय बराबर क्या आया? अंडर रूट टू जी एच बटे जी, ठीक है ना। अब इस जी को रूट जी इंटू रूट जी लिख सकते हो, तो एक रूट जी कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा? अंडर रूट टू एच बाई जी, यही आंसर है, ठीक है ना, समझ में आया। वो कहता है कि दो प्रक्षेप हैं, एक को तो पृथ्वी से फेंका 5 मीटर प्रति सेकंड से और दूसरे को किसी अन्य ग्रह से फेंका 3 मीटर प्रति सेकंड से। ऐसा करने पर दोनों ने पथ सम बनाया, एक जैसा पथ बनाया, तो पृथ्वी पर अगर जी की वैल्यू 9.8 है तो उस ग्रह पर कितनी होगी? देखो अगर पथ सम बनाए, एक जैसा पथ बनाए, तो क्या समान होना चाहिए? एक्स और वाई समान होना चाहिए, पथ के समीकरण में एक्स और वाई समान होना चाहिए, तभी जाके पथ सर्वसम होगा। तो पथ का समीकरण क्या था? वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक बटा दो जी एक्स स्क्वायर, यही था, ठीक है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जहां जहां एक्स है और वाई है ये तो नियत हो गए, ठीक है,
समान कोण पर फेंका तो टेन थीटा कॉस थीटा भी नियत हो गए, ये भी नियत, ये भी नियत, ये भी नियत, ये भी नियत, तो जी बटे यू स्क्वायर बच गया, जी बाय यू स्क्वायर बराबर नियतांक कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो यानी जी समानुपाती क्या आ गया, यू स्क्वायर, जी समानुपाती यू स्क्वायर, क्या लिख पाओगे इसको, जी टू बटे जी वन बराबर यू टू बटे यू वन का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो जी टू तो निकालना है, जी वन की वैल्यू 9.8, यू टू की वैल्यू 3 है, यू वन की वैल्यू 5 है, इसका किया होल स्क्वायर। तो अब सॉल्व किया जा सकता है, जी टू बराबर 9 बटा 25 गुणा 9.8, सॉल्व करो कितना आया, थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन 22 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, इसने बोला एक प्रक्षेप को ऊपर की दिशा में क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर फेंका गया, क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर फेंका गया, ऊपर की दिशा में फेंका गया, और वेग कितना है 147 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद इसका क्षैतिज से कोण 45 डिग्री हो जाएगा, ऐसे गिरेगा तो यहां कहीं गिरा वी वेग से, यहां वी वेग है तो क्षैतिज से कोण हो गया इसका 45, तो ओ से इस पी पॉइंट तक आने में कितना समय लगा, वो समय उसने पूछा है। ठीक है, ये जो 45 डिग्री दिया है ये यहां पर तात्क्षणिक वेग की दिशा है, ठीक है ना, तात्क्षणिक वेग भी हो गया और इसकी दिशा कितनी है 45 डिग्री, तो तात्क्षणिक वेग की दिशा कैसे निकालते थे, टेन, यहां इसको अल्फा मान लू मैं, तो टेन अल्फा बराबर वी वाई बटे वी एक्स, ऐसे ही निकालते थे, यहां होगा वी एक्स और इधर क्या होगा वी वाई। अगर मैं वी एक्स की बात करूं तो वी एक्स तो प्रारंभिक वेग जो होगा वही होगा, प्रारंभिक क्षैतिज वेग वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा, लेकिन जब वी वाई निकालेंगे तो सूत्र यू वाई प्लस ए बाई टी से निकलेगा, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है, यू वाई कितना है यू साइन थीटा और ए बाई माइनस जी टी, ये यहां रख दें तो टेन अल्फा का फॉर्मूला आप बनाते हो यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम मान लिख देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, टेन अल्फा, अल्फा हो गया 45, यू 147 इंटू साइन 60 माइनस जी 10 टी बना रहने दो, यू 147 इंटू कॉस 60, ठीक है, बस इसी को सॉल्व करके टी फाइंड करना है आपको। तो देखो 1045 तो 1 हो गया इंटू, इसका यहां मल्टीप्लाई कर दो 147 कॉस 60 वन बाई टू इक्वल टू 147 इंटू रूट 3 बाई टू माइनस 10 टी, कर लोगे अब, माइनस 10 टी को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ और कैलकुलेट करके जरा माइनस करो, करो कितना आया देखें, 5.49 सेकेंड। प्रश्न क्रमांक 23, किसी त्रियक प्रक्षेप का वेग v बराबर कितना है, v बराबर है 3i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड, इस प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, बोलो उच्चतम बिंदु पर वेग क्या बचता है, u cos थीटा बचता है, u cos थीटा, u cos थीटा माने क्षैतिज वेग, और क्षैतिज वेग कभी परिवर्तित नहीं होता, तो इस वाले में सोचो क्षैतिज वेग कौन है, 3 i का जो गुणांक होगा वो क्षैतिज वेग,
जे का गुणांक होगा वो ऊर्ध्वाधर वेग, तो क्षैतिज वेग तो तीन है, 3 मीटर पर सेकंड से फेंका गया होगा क्षैतिज वेग से, तो क्षैतिज वेग उच्चतम बिंदु पर भी वही होगा, उत्तर आया 3। बस हमारा आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, देख के ही बताना, कुछ इसमें नहीं लगाना। भी बराबर 3i+2j से फेंका गया, तो इसमें 3 है क्षैतिज वेग और 2 है ऊर्ध्वाधर वेग, और क्षैतिज वेग कभी बदलता नहीं है, इसलिए 3 ही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 24 ऐसा ही क्वेश्चन है। 24 में यह बोला है कि आपको वाई और एक्स अक्ष दी हैं और ऐसा दिया हुआ है एक ग्राफ। तो ये ग्राफ में बोला गया है कि एक्स अक्ष को हम समय मान लें, एक्स अक्ष पर टाइम मान लें, वाई अक्ष पर कौन सी राशि होगी अगर ये ग्राफ है उसका। तो देखो टाइम के साथ वो राशि बदल नहीं रही है, तो टाइम के साथ कौन नहीं बदलता? क्षैतिज वेग। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षैतिज वेग यानी सी। प्रश्न क्रमांक 25, एक कण को यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, किसी क्षण उसका वेग भी प्रारंभिक बिंदु यू से समकोण बनाता है, तो वी का मान क्या है? चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। एक कण को यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया। देखना ध्यान से, एक कण को यू वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका गया, किसी क्षण इसका वेग प्रारंभिक वेग यू से समकोण बनाता है, तो जब ये इधर कहीं ऐसे जाएगा तो किसी क्षण पर इसका जो वेग होगा जिसको तात्क्षणिक वेग कहेंगे, वो इस प्रारंभिक वेग से कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो बताओ किस जगह पर हो सकता है कि वो 90 डिग्री बनाए? कहां हो सकता है तात्क्षणिक वेग? ये तो प्रारंभिक वेग की दिशा हो गई कि नहीं। अब इस लाइन पर लंब खींचना है तो वो इस प्रक्षेप पर कहां पर कटेगा? इधर कहीं कटेगा, मतलब कण को कहीं यहां होना चाहिए, जिससे कि यहां पर इसका जो तात्क्षणिक वेग आएगा भी वो इस प्रारंभिक वेग के साथ, इसको पीछे कहीं मिला दो, प्रारंभिक वेग के साथ कितना कोण बनाए? 90 डिग्री ये बना ले, यही कंडीशन दी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब बताइए इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस v की वैल्यू क्या है, v का मान क्या है। देखो इसको कैसे करते हैं, आप जो जो इसमें जानते हो वो तो पहले अपन कॉन्सेप्ट लगा ही दें। क्या क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि यहां पर अगर इस v के दो टुकड़े किए जाएंगे तो ये vx होगा और ये vy होगा। ठीक है, अब जरा सोचो, इस u के दो टुकड़े इधर क्या होंगे? u cos थीटा और इधर u sin थीटा, ये भी हमें मालूम है। अब ध्यान देना, अगर इस लाइन को, ये क्षैतिज लाइन को यहां मिला दूं ऐसे, तो ये कौन थीटा है, तो ये कितना होगा? थीटा ही होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बताओ जरा, 90 माइनस थीटा। अच्छा ये बताओ, ये भी 90 माइनस थीटा। तो इस वी के कंपोनेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा? वी कॉस 90 माइनस थीटा, कितना हो गया? वी साइन थीटा। इधर वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा होता, लेकिन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा है, तो वी कॉस थीटा हो गया। हो गया कि नहीं बोलो, ये होगा। अब बदलता क्या नहीं है? क्षैतिज वेग नहीं बदलता, तो यहां क्षैतिज वेग क्या है और उधर क्षैतिज वेग क्या है? वी साइन थीटा, दोनों बराबर कर दो, तो यू कॉस थीटा बराबर वी साइन थीटा, क्योंकि क्षैतिज वेग प्रक्षेप गति में नहीं बदलता, ऊर्ध्वाधर तो बदलता है क्योंकि उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे लगता है ऊर्ध्वाधर का, तो यहां पर v निकाला जा सकता है। तो क्या आ गया? v u cot थीटा, साइन को डिवाइड कर दो। ठीक है, यही उत्तर आ गया। देखो कितना आसान है, पूरी फिजिक्स आसान है। सवाल में
इसी सवाल में थोड़ा सा अपन और बढ़ाते हैं इसको। ये कण ओ से फेंका गया, पी पर आ गया, ये कंडीशन दे रखी थी इसमें। तो पी पर आने में समय कितना लगेगा, ओ से पी पर आने में कितना समय लगा, ये और फाइंड करें। तो देखिए, समय निकालने के लिए अभी हमने ऐसा सवाल किया था जिसमें यहां पर अल्फा माना था, उसको टेन अल्फा लिया था। तो बोलो टेन अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, क्या फॉर्मूला बनाया था, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अल्फा कितना है यहां देखना, 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसको मैं लिख दूं कॉट थीटा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हल करके टी निकालना है। तो देखो जरा, यहां मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है, ये दिशा देखते समय, कि ये जो भी वाई है वो किधर है, नीचे की दिशा में है, और इधर ये एक्स दिशा में है, धनात्मक एक्स। तो ये जो vy बराबर u cos थीटा होगा वो तो ऋणात्मक होगा, तो यहां पर आप इसमें क्या लिख देना, माइनस लिख देना u cos थीटा। ठीक है, क्योंकि vy, अच्छा vy ऊपर था ना, vy कितना था, vy का मान जो अपने निकाला था वो कहां था, ये माइनस लिख देना। ठीक है, ये वाला माइनस। अब जरा देखो, ये भी माइनस चल रहा है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लूं क्या आ जाएगा, माइनस यू कॉस यू साइन थीटा प्लस जी टी, यही है। वी वाई माइनस लिखना पड़ेगा ना नीचे, तो ऊपर वी वाई होता है वो माइनस लिख दो। अब प्लस जी टी ऐसा कैसे, इधर कितना हो गया यू कॉस थीटा, कॉट थीटा को कुछ लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये माइनस का इधर शिफ्ट कर दो, प्लस यू साइन थीटा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है यू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा। एक काम करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम आप ले लोगे तो देखो क्या आएगा, जी टी बराबर यू दोनों में कॉमन ले लो, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यही मिल रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया, वन हो गया। तो यहां से टी बराबर कितना आ गया, यू वन अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक, यू कोसेक थीटा बटे जी, बस यही आंसर है। ठीक है, तो इस कण को P बिंदु तक पहुंचने में u cosec थीटा बटे g समय लगेगा। ठीक है, पिछले दिनों बताया नहीं था क्या, बता दिया था ना, एक तो फुल इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स में आ रहा है, केमिस्ट्री में फुल फिजिकल आ रही है, बायो में बता ही दिया था। ठीक है ना, तो इस संडे का है, अगले संडे का, अगले संडे का भी सुन लो। ठीक है, अगले संडे को आएगा, क्योंकि अगले संडे को आरबीटीएस नहीं होगा, इस संडे का आरबीटीएस है, अगले संडे को फिजिक्स का होगा, उसमें आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, यूसीएम नॉन यूसीएम तीन ही आएंगे, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर अगले से अगले संडे का भी सुन लो, फिजिक्स का बता देता हूँ आप, जिससे कि तैयारी अभी से कर सकते हैं, अदरवाइज कहोगे सर मैं पता ही नहीं चला, है ना। तो अगले से अगले संडे का मैं आपको फिजिक्स का तो अभी से बता देता हूँ। अब जहाँ अगले से अगले संडे के पहले शनिवार तक जितना इलेवेंथ पोर्शन पढ़ा दिया जाएगा उतना आएगा। ठीक है, इलेवेंथ पोर्शन मतलब आप पढ़ चुके हो, बैक शुरुआत में हमने पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, ठीक है, एरर, उसके बाद फिर वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन के बाद ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन के बाद हम अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल के बाद हम यूसीएम स्टार्ट कर लेंगे आज,
UCM नॉन UCM हो ही जाएगा 100%, अभी 15-20 दिन है, और लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो लॉज ऑफ मोशन भी उसमें आएगा, मतलब शनिवार तक, अगले से अगले शनिवार तक जितना हो जाएगा वो फुल 11th आएगा, ठीक है ना। तो आप अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, अभी इसमें फुल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फुल 12th का आ रहा है, और फिर अगले उसमें आ जाएगा 11th का, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाओ। अब कई बच्चों ने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं की है ना, नहीं कौन कौन ने नहीं की बताओ, हाथ ऊपर करो। अभी भी कई बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है, वो पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, है ना। दिवाली निकल ही गई, दशहरा निकल ही गया, देवठान भी उठ गए, है ना। तो इसलिए अब तो पढ़ाई शुरू कर दो, और देखो मतलब सीरियसली आप लीजिए, अगर आप देखें कि सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैंने जो अनुभव किया है, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं पिछले 15-20 वर्षों में, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, सबसे सबका जो अनुभव है, जो निचोड़ निकला है, अगर घंटे में अगर अपन उनको मापें तो लगभग 1200 से 1500 घंटे चाहिए साल भर में। कितने चाहिए? 1200 से 1500। एक दिन का नहीं है ये एक दिन का भी बता रहा हूं मैं आपको, ये 1200 से 1500 घंटे चाहिए, ठीक है ना। अब सुनो, 1200 से 1500 घंटे चाहिए, ये कोचिंग के साथ नहीं, कोचिंग के अलावा, कोचिंग वाले काउंट मत कर लेना कि सर 2-2.5 घंटे फिजिक्स में आते हैं, फिर हम केमिस्ट्री में जाते हैं, तो 5 घंटे तो ये डेली पढ़ ही रहे हैं, बिना पढ़े ही पढ़ रहे हैं, है ना। 5 घंटे डेली पढ़ाई चली रही है, तो लेकिन ये तो जबरदस्ती चल रही है, ये तो आना ही पड़ेगा, फीस जमा की है तो, है ना। तो 5 घंटे पर डे तो ये आपको आना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको 1200 से 1500 घंटे चाहिए साल भर में। अब आप देखो, कोई अगर अभी से स्टार्ट करे, मान लीजिए अभी पिछले 4-5 महीने में नहीं पढ़ा, अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, है ना, कईयों के फ़ोन आते हैं, कई डिप्रेस हो जाते हैं, है ना, कई जो है 2-4 बंद कर दिए, फिर उनके फ़ोन आए, इंग्लिश मीडियम बता रहा हूँ एक दो के, कि सर अब दोबारा शुरू कर लें तो क्या कोई चमत्कार हो जाएगा क्या, 4-5 महीने से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, गैप कर लिया था, बहाने तमाम होते हैं कि सर तबीयत खराब हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए कोचिंग नहीं आ पाए। अब अगर अभी से शुरू करें तो अपन क्या सिलेक्ट हो सकते हैं क्या? तो 100% हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, चमत्कार होगा, हो सकता है। कैसे? आपको 1200 से 1500 घंटे ही तो चाहिए, लेकिन बहुत सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी आपका नवंबर चल रहा है, ठीक है, तो नवंबर छोड़ दो, चलो 10-12 दिन खत्म कर दो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 5 मई को एग्ज़ाम होगा, आपके पास 5 महीने हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, पढ़ने वाले बच्चों का दिमाग, जो सिंसियरली पढ़ते हैं, उनका दिमाग तेज़ चलना शुरू हो जाता है। देखते हैं ना, 12th में अनुभव किया होगा, 10th में, 12th में, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं तो जो बड़े बड़े प्रमेय थियोरम्स जो होती हैं वो जल्दी जल्दी याद होना शुरू हो जाती हैं कि नहीं, और पता चल, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तो अगर ये पता चल जाएगा ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, फिर तो वो जो साल भर में याद नहीं हुआ वो 2 मिनट में याद हो जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा आपका दिमाग तेज चलेगा ओबियसली। तो अगर अपन 1 महीने में लगभग 30 दिन मान लें तो हमारे पास कितने दिन बचे? 5 महीने हैं, 150 दिन है ना, तो 150 दिन हो गए। अब अगर एक दिन का बता रहा हूँ, कम से कम कितने घंटे पढ़ना है? 7 घंटे, ठीक है ना, बस कोचिंग के अलावा 7 घंटे, इससे कम पे तो भूल जाओ, है ना, इससे कम पर तो आप भूल जाओ कि जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 11th-12th का एग्जाम नहीं है। आज से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पर डे 7 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, तो 150 और 7 का गुणा कर लो, 1050, तो लगभग 1000 घंटे पर पहुंच गए, है ना। और अब आप कहोगे 1200-1500 चाहिए सर, इसमें भी कमी पड़ गई, तो आप ये साल भर का बता रहा हूँ, तो आप 5 महीने कुछ तो पढ़े होगे, पिछले 5 महीने भी तो दिन भर में 1 घंटा तो पढ़े होगे,
दिन भर में दो घंटे तो पढ़े होगे, है ना। अगर दिन भर में एक या दो घंटे भी पढ़े हैं, मान लीजिए दो घंटे पढ़े हैं, ठीक है, तो पांच महीने तो हो ही गए, पांच महीने हो गए, तो 150 घंटे 150 दिन तो वो भी हो गए, तो 150 दूनी 300 यानी 300 घंटे तो आप पढ़ चुके हो अभी, और ये हो गए 1050 तो 1300 घंटे हो गए, ठीक है, और 1200-1300 चाहिए, एवरेज आ गया। तो इसलिए कोई अगर आज से भी स्टार्ट करता है तो आप सिंसियरली तैयारी कर लो, 7 घंटे आज से स्टार्ट कर दो। अब 7 घंटे लगातार नहीं पढ़ना, अदरवाइज जो है गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आप जो है 3-3 घंटे का शेड्यूल बनाओ, 3-3 घंटे का शेड्यूल ऐसे बनाओ, कोचिंग के बाद आप चाहे 2 से 5 पढ़ें या 3 से 6 पढ़ें, ठीक है, 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ें, और जिस दिन आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग हो उस दिन आप जूलॉजी बॉटनी पढ़ो, और जिस दिन जूलॉजी बॉटनी की हो उस दिन शाम को घर पे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। उससे फायदा ये होगा, चारों सब्जेक्ट एक साथ मत पढ़ो। जैसे आपने मान लीजिए आज पता चला 1 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर केमिस्ट्री उठा ली, फिर जूलॉजी उठा ली, फिर बॉटनी उठा ली, तो सारी चीज़ें दिमाग में मिक्स हो जाएंगी। आप जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो टेस्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई को सिंक्रोनाइज कर लो, कि टेस्ट अपना कौन से टॉपिक का आ रहा है वो हम पहले स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो आप जैसे आज फिजिक्स केमिस्ट्री कोचिंग है तो आप जूलॉजी बॉटनी उठा लो, 6-7 घंटे जूलॉजी बॉटनी कंटिन्यूस पढ़ते चले जाओ, है ना। कंटिन्यूस का मतलब है 3-3 घंटे के शेड्यूल में 3 घंटे पढ़ो, फिर आप आधे घंटे का या 1 घंटे का गैप ले लो, फिर कंटिन्यूस 3 घंटे पढ़ो। एक सिटिंग में 3 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे के पहले उठना नहीं है, ठीक है ना। और 3 घंटे ही क्यों कहता हूँ, 3.5 घंटे या जो है 2 घंटे 2.5 घंटे में इसलिए नहीं कहता, क्योंकि मेन एग्ज़ाम भी 3 घंटे का ही होता है, तो आपको कम से कम घर पे 3 घंटे के बैठने की प्रैक्टिस तो होगी, वहाँ एग्ज़ाम में 3 घंटे बैठना है, इसलिए आप एक कंटिन्यूसली 3 घंटे आप बैठेंगे पढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन की आदत बढ़ेगी, 3 घंटे कॉन्सेंट्रेशन लगाने की, ठीक है ना, पढ़ाई में। तो ये आप इस तरह से आप पढ़ाई शुरू कर दो, डेफिनेटली 1050 घंटे आराम से हो जाएंगे, है ना। जो टेस्ट आ रहा है अब, जैसे अभी इसमें आपका केबल इस संडे को फुल इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो मान लीजिए किसी ने आज से सोचा है तो फुल इलेक्ट्रिसिटी 3-4 दिन में तो नहीं कर पाएगा, है ना। जो पढ़ रहे हैं वो तो कर लेंगे, उन्होंने की हुई है, लेकिन जो आज से ही सोच रहा है, मैंने बताया तो आज से ही शुरू कर दे कि सर जो है सर ने बोला था आज से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो इस वाले टेस्ट को मान लो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, जितना पढ़ा है उसी हिसाब से दे दे। अगला टेस्ट जो होगा संडे का, उसमें तो 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से, प्रोजेक्टाइल और UCM नॉन UCM, तो उसकी आज से आप ढंग से तैयारी करोगे और ऐसी तैयारी करोगे कि नहीं मुझे जो है मैक्सिमम मार्क्स इसमें चाहिए, तो आप आराम से 8-10 दिन में प्रोजेक्टाइल और UCM नॉन UCM ख़त्म कर सकते हो, ठीक है ना। और घर पे जब आप फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो क्लासरूम नोट्स ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्लासरूम क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हीं को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी शीट मिलेगी या जो है आपके पास जो बुक हो उसको क्वेश्चन उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप एग्ज़ाम की तरह सॉल्व करो, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन देखा उसके बाद उसका आंसर देख लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन देखा फिर आंसर देख लिया, सॉल्यूशन में भी टिक करते गए कि ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, है ना। तो रीडिंग नहीं करनी है आपको, सॉल्व करने हैं क्वेश्चन जैसे एग्जाम में करते हैं। तो उसके लिए आप OMR शीट ले लो, जैसे एग्जाम में करते हैं तो यहाँ से आपको OMR शीट मिल जाएगी अपने आप कोचिंग से, फिजिक्स की आप OMR शीट ले लो, 100 क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन की एक एक शीट ले लो, घर पे उसकी फोटोकॉपी करवा लो और 50-60 फोटोकॉपी घर पे रख लो, और जब जैसे ही अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो OMR शीट पर आप उसके सर्कल भरते चले जाओ साथ साथ, जैसे आदत पड़ेगी क्वेश्चन करने की। और 3 घंटे बैठे हैं तो 3 घंटे में अगर आप 1 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो और 2 घंटे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 2 घंटे का टाइम लगा के बैठो कि हम जो है क्वेश्चन 2 घंटे में कर रहे हैं लेकिन हम 1.5 घंटे में करेंगे, क्योंकि आधे घंटा उन क्वेश्चंस को देखने में भी तो लगेगा कौन से गलत हुए कौन से सही हुए। तो 2 घंटे के लिए अगर आप बैठ रहे हो तो 1.5 घंटे के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल अलार्म लगा दो, ठीक है, कि 1.5 घंटे बाद वो बजना शुरू हो जाए, और 1.5 घंटे में जितने क्वेश्चन लगे, 10 लगें 20 लगें 25 लगें 50 लगें 100 लगें 150 लगें कितने लग जाएं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो जितने क्वेश्चन आपसे लग गए 1.5 घंटे में, उसके बाद फिर उनके साथ साथ सर्कल भरते गए, फिर मिलाए कितने सही हुए, जितने सही हुए अच्छी बात है, जो सही नहीं हुए उनको अब फिर आप सॉल्यूशन से देखो क्या समझ में आ रहे हैं क्या। अगर समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहे तो उन पर टिक कर लो, वो आप टीचर से पूछो, मेरे से पूछो, ठीक है ना। ये तरीका होता है स्टडी का। तो आप ये स्ट्रेटेजी अभी आप फॉलो कर लो तो डेफिनेटली कोई सिलेक्शन रोक नहीं रहा, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भाई बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसकी क्षैतिज परास क्या होगी, क्षैतिज परास r निकालना है। एक काम करें, ये इसको ऐसा दिख रहा है अपने को कि हम इसमें भाई बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए 16x कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स बाई 64 बचेगा। तो आप देखो r का मान सीधे ही कितना आ गया, 64, यही आंसर है, ठीक है, r बराबर 64। अंतरिक्ष में इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि इसकी अधिकतम क्षैतिज परास 400 मीटर है। उसने बोला अधिकतम क्षैतिज परास r मैक्स बराबर कितना है, 400 मीटर है। तो मैक्सिमम रेंज 400 है, तो कितने कोण पर फेंका गया होगा, 45 डिग्री पर फेंका गया होगा, यह हमें पता चल गया। प्रक्षेपण बिंदु मूल बिंदु मानते हुए, ये मूल बिंदु मान लें प्रक्षेपण बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक बताएं जहां प्रक्षेप का वेग न्यूनतम हो। तो प्रक्षेप का वेग न्यूनतम कहां होता है, अधिकतम ऊंचाई पर, यहां होता है कि नहीं, वेग जो है न्यूनतम होता है। तो इसके निर्देशांक बताने, तो निर्देशांक बताने के लिए यहां से यहां तक की दूरी चाहिए होती है, 400 का आधा कर दो 200 मीटर, तो ये x हो गया 200 मीटर यहां से यहां तक, और ये y चाहिए होता है, ठीक है। तो y मतलब h निकालना है, तो अगर इसमें h निकालूं मैं तो वो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो h यहां पर हो गया u स्क्वायर साइन थीटा कितना है, कितने से फेंका था, 45 से, तो ये साइन स्क्वायर 45 बटा 2g। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो ये हो गया 1/4 इंटू यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा यू स्क्वायर अपॉन जी क्या होता है, आर मैक्सिमम होता है, तो जो बाई आया वो आर मैक्सिमम का 1/4 आया, 1/4 आया अधिकतम परास का, और अधिकतम परास कितनी थी 400, तो 400/4 100, तो बाई बराबर आ गया 100 मीटर। तो इस पॉइंट के निर्देशांक x कॉमा वाई होते हैं, तो आ गया 200, 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में यह दिया है कि इसको वेग कितने वेग से फेंका, u बराबर 6i प्लस 8j मीटर पर सेकंड से फेंका। तो यहां पर ux बराबर है 6 और uy बराबर कितना है 8, ठीक है। और हम इसको रेंज फाइंड करना चाहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2ux uy अपॉन g। 2ux कितना है 6, uy कितना 8, g हो गया 10, सॉल्व कर लो कितना आ गया 9.6। क्वेश्चन नंबर 31, एक गेंद 20√3 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की जाती है, u बराबर 20√3 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित की गई, तो यह जमीन से 40 मीटर पर
कितने सेकंड बाद पहुंचेगी, ये पी पॉइंट है, टी समय निकालना है। अब ये जमीन से 40 मीटर दो जगह हो सकता है, एक तो यहां भी हो सकता है और एक यहां भी हो सकता है 40 मीटर, तो दो समय निकलेंगे, यहां थोड़ा कम आएगा समय, यहां पे ज्यादा समय आएगा। चलिए इसको एच मान लेते हैं, ठीक है, और सूत्र लगा दें, या तो हम ये सूत्र लगा दें, कौन सा वाला, ऊर्ध्वाधर गति के लिए बाई बराबर, या एस वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी से आ जाएगा। तो एस वाई बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई को 40 लिख लेता हूं, यू यू साइन थीटा, यू कितना है 20 रूट थ्री, साइन थीटा साइन 60 माइनस 1/2 जी, जी का मान 10 इंटू टी स्क्वायर, यहां टी और आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 20 रूट थ्री, साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, ये हो गया 40 इंटू टी चल रहा था, ये हो गया माइनस का 5 टी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लें, ये 10 हो गए तो 40 बराबर कितना आ गया 30 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, ये एक स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, वर्ग समीकरण बन गया। और इसको हल करो जरा, टी का मान निकालना है और आप 5 से भाग कर दो, सरल समीकरण बन जाएगा, इसको 5 को इधर ले लो तो ये हो गया, देखो टी स्क्वायर, टी इसको भी इधर ले लो, माइनस के 5 के 30 6 टी और प्लस का 8 बराबर 0, ये समीकरण बन गया है। टी के दो मान प्राप्त होंगे, कौन कौन से बनेंगे जरा बताओ। क्वेश्चन 32, वाई बराबर दिया है एक्स बाई रूट थ्री माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 20, तो क्षैतिज परास ज्ञात करनी है, आर बराबर सूत्र क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। तो अगर हमें यू मिल जाए थीटा मिल जाए तो आर आ जाएगा। इस समीकरण को वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से तुलना करो, तो देखो एक्स का गुणांक कितना है 1/√3 इधर, और इधर का एक्स का गुणांक क्या है टेन थीटा है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री निकल गया, 1/√3 बराबर टेन थीटा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब इधर जी एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1/2 1/20, और इधर जी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दो से ये काट दें 10 हो गए, 1/10 बराबर 1/ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 30 कॉस 30 का मान √3/2, तो 3/4, ठीक है। तो ये आ गया 10 बराबर यू स्क्वायर गुणा 3/4, कितना आ गया यू स्क्वायर बराबर 40/3, ये यू स्क्वायर आ गया 40/3। अब अपने को आर निकालना है, तो देखो आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर का मान 40/3 गुणा साइन 60 हो जाएगा, थीटा 30 था ना, 60 साइन 60 कितना हुआ √3/2, और बटे में जी, इसी को हल कर लो, 40 ये दो से काट दो, 20 √3/3 जी की वैल्यू 10, सॉल्व करो। जो हम निकाल रहे हैं वो कौन सी निकली है, ये क्षैतिज परास निकली है, और मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या आएगा आर मैक्स, वो तो सिंपल यू स्क्वायर बाई जी होगी, तो आपको साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं थी। चलो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई आपके पास 40/3 और जी की वैल्यू 10, तो ये काट दिया, सिंपल 4/3 आ गया। तो यह अधिक बिंदु बी है, प्रारंभिक बिंदु ए है।
देखिए ए बिंदु पर जो वेग दिया है यू बराबर टू आई प्लस थ्री जे दिया है, बी पर निकालना है। तो होता यह है कि ए बिंदु पर ये हो गया क्षैतिज वेग टू और ये हो गया ऊर्ध्वाधर वेग तीन। बी बिंदु पर क्षैतिज वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग में भी परिवर्तन नहीं आता, केवल दिशा पलट जाती है, नीचे हो जाता है। तो अगर हम इस बिंदु पर वेग निकालेंगे बी बिंदु पर, तो वो 2i तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि 2 में तो दिशा भी परिवर्तित नहीं हुई, क्षैतिज वेग ने तो दिशा भी परिवर्तन नहीं की, और बस 3 का क्या हो जाएगा माइनस 3j, क्योंकि जो ऊपर प्लस का y था वो अब नीचे माइनस का y हो गया, बस यही उत्तर आएगा। ठीक है, नत समतल पर प्रक्षेप गति, ये एक पहाड़ी हो गई अल्फा कोण की, पहाड़ी का क्षैतिज से कोण कितना है अल्फा। एक कण को यहां से फेंका, इधर गिर गया वो, ठीक है। अब क्या करते हैं, नत समतल पर एक्स और वाई एक्स कैसे बनाते हैं वो अपन देखें। नत समतल पर क्या होता है, नत समतल के समांतर ये दिशा होती है किसकी, एक्स की, और ये दिशा होती है वाई। नत समतल पर इंक लीक कर रही है, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया वाई, ठीक है। वैसे क्षैतिज दिशा में क्या होता है, ये एक्स होता है और ये y होता है, लेकिन इसी को ऐसे घुमाया जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा। तो मान लो कि ये क्षैतिज दिशा से मतलब x दिशा से इसको फेंका गया है थीटा कोण पर, तो ये प्रारंभिक वेग क्या होगा, u, u वेग से फेंका गया है, ठीक है, कितने कोण पर, थीटा कोण पर। अच्छा, अब हम सबसे पहले निकालेंगे उड्डयन काल, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगा, तो t बराबर उड्डयन काल निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये वाला सूत्र याद रखो, t बराबर क्या पड़ा था, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा क्या था, u y था और g था a वाई, क्योंकि y दिशा में ही तो त्वरण था। यहां पर क्या होगा, देखो त्वरण तो नीचे की ओर लगेगा, ये क्या आ गया g, ठीक है। इसको यहां ऐसे लाइन खींचे हैं, इसके लंबवत लाइन, तो यही तो बाई ऋणात्मक बाई दिशा हुई नीचे की ओर, क्योंकि धनात्मक बाई ऊपर है, तो ये अल्फा है, तो ये वाला भी अल्फा होता है। जी के घटक कर लो, जी कॉस अल्फा, इधर क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा, हो गया कि नहीं। अच्छा, अब देखो टी बराबर टू, टी बराबर ले रहे हैं टू यू वाई, यू वाई कितना होगा, घटक कर लो यू के, थीटा कौन था, इधर हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर यू साइन थीटा, तो टी बराबर क्या आ गया, टू यू बोलो साइन थीटा बटे जी, अकेला जी या जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, क्योंकि ये लंबवत होगा बाई के लंबवत, तो जी कॉस अल्फा। तो देखो इसमें ज्यादा अंतर नहीं आया, टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी तो पढ़ते ही है, और नत समतल का कोण अगर अल्फा है तो नीचे g cos अल्फा और आ जाएगा, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दूसरा, उच्चतम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई h, ये अधिकतम ऊंचाई होगी h ये वाली, ठीक है। इसके लिए भी h का फॉर्मूला आप ध्यान सुनो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था 2g, मतलब यू वाई का स्क्वायर बटे 2a वाई, ये था। तो बोलो h बराबर इसमें क्या आएगा, u वाई, तो इसमें भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा बटे 2a वाई का मान g
कॉस अल्फा, तो ये हो गया आपके पास यू एच हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जी कॉस अल्फा। अब तीसरी जो बात करते हैं वो है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास आर, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये क्षैतिज परास होगी। अब आप बताओ क्षैतिज परास एक्स दिशा में है तो एक्स दिशा में कोई त्वरण है क्यों नहीं है, है एक्स दिशा में जी साइन अल्फा है। और क्षैतिज शुरुआत में जो क्षैतिज दिशा होती थी जो अभी तक पढ़ते आए थे उनमें कोई त्वरण क्षैतिज दिशा में नहीं होता था, इसलिए वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे आर बराबर यू एक्स गुणा टी। लेकिन क्या एक्स बराबर यहां आर बराबर यू एक्स इंटू टी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां तो एक्स दिशा में त्वरण है। तो फिर क्या करेंगे, ये सूत्र लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कौन सी दिशा के लिए, एक्स दिशा के लिए। तो एस एक्स को तो आर लिख देता हूं, यू एक्स क्या है बोलो, यू एक्स यू एक्स एक्स दिशा में बेग यू कॉस थीटा ठीक है इंटू टी, टी है इसका उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या है ये टी है। तो आप सबसे पहले उड्डयन काल निकालना आर निकालने के लिए और यहां रख देना ठीक है, प्लस एक बटा दो ए एक्स क्या है एक्स दिशा में त्वरण, उसमें जीरो होता था लेकिन इसमें क्या है जी साइन अल्फा, नीचे की ओर है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, बस यही इसी से आर निकलेगा यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम आर निकाल सकते हैं। आर अधिकतम कब होगा, फॉर आर मैक्सिमम कितने कोण पर, वहां पर आर मैक्सिमम होता था वो होता था कितना पाई बाई फोर पर, 45 पर अधिकतम होता था, तो इसमें भी पाई बाई फोर होगा, बस माइनस का अल्फा बाई टू और लगाना है, माइनस का अल्फा बाई टू कितना होगा, वहां कितना होता था आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी ठीक है यही होता था, नीचे से ऊपर फेंके हैं तो बस इसके साथ वन प्लस साइन अल्फा और लगा देना इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर ऊपर से नीचे फेंके तो फिर आर मैक्स होगा यू स्क्वायर अपॉन जी वन माइनस साइन अल्फा, ये ऊपर से नीचे फेंकते समय और नीचे से ऊपर फेंकते समय, बस इतने सूत्र आपको ध्यान रखने हैं इंक्लाइंड प्लेन में और कुछ नहीं ठीक है।